गांव है, मेरे गांव का नाम है खोला। और अगर आप लोग जगहों से वो विकलांग पैदा होते जिनके कारण मतलब उनके शरीर में 8 बांग थे, तो तब से उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। जनक के सभा में जो भी ऋषि थे उनको पराजित करा। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ एरसुगढ़ इस जगह का नाम है। हमारे गांव के जो क्षेत्रपाल होते हैं यानी कि रक्षा करने वाले देवता हो, ब्रजिंदर काला जो कि बॉलीवुड एक्टर है उनका जो गांव है ना। और अभी हम जाने वाले उस वाले मकान पे जो कि यार इसरो के साइंटिस्ट है उनका मकान है। तो इसको कहते हैं यार हमारे यहाँ पे नौ कहते हैं, नौ पंधार भी कहते हैं इसको। और ये जो है ना ये है पंचायती भवन हमारे गाँव का। लेकिन अभी यार पूरी तरीके वो सामने जो है ना लीची का पेड़ है और लीची लगी हुई है उसमें, काफी मजा है यार। हाँ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे गाइस। तो यार आज तारीख है 1 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कल मैं आ चुका था यार माँ धारी देवी के दर्शन करके सीधा अपने गांव। तो जी हाँ गाइस यार ये वीडियो जो रहने वाला है ये रहने वाला है मेरे गांव के ऊपर। आपको बताने वाला हूँ यार कि हमारा गाँव जो है वो कैसा है और कैसे आप लोग भी अगर आते हो कभी घूमने के लिए तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो। साथ में ही आपको यार मैं दर्शन करवाने वाला हूँ श्री अष्टावक्र महादेव के। तो यार जो चैनल पे नए हैं प्लीज यार चैनल को जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और इसके बाद चलेंगे हम लोग। अभी यार मैंने पानी वानी रख दिया अपना नहाने के लिए, तो नहा धो के तैयार होके चलेंगे सीधा हम लोग अपने गांव के भ्रमण के लिए। ए देखो ये अपने अंकित भाई और आशीष भाई दोनों अभी तक सुस्ता रहे हैं। उठो भैया उठो जल्दी, खाना बना के थक गए यार, खाना बना बना के थक गए भाई साहब जबरदस्त। तो आपको बता दूं यार कि आजकल जो हमने काम बांटा हुआ है तो खाना वाना बनाने का जो काम है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का काम मेरा है और इसके बाद का जो काम है ना भाई साहब वो करते हैं आशीष भाई और अंकित भाई मिलके। चलो यार ब्रेकफास्ट तो अभी पहले नहा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट तो यार पहले मंदिर से आने के बाद ही करेंगे, पर बना के रख लिया हमने क्योंकि आज ही हमको निकलना भी है यार यहाँ से आज टिहरी के लिए। क्योंकि यार अगर आप लोग आए हो उत्तराखंड दर्शन के लिए और आपने टिहरी को एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर तो आपने यार कुछ देखा ही नहीं है। क्योंकि यार आपको बता देता हूँ, तो आपको बता दूँ यार गाइस कि जो टिहरी था ना वो जो गढ़वाल के राजा हुआ करते थे उनका गढ़ उसको कहते थे टिहरी को। तो यार अगर आप लोग गढ़वाल आए हो उत्तराखंड आए हो आपको पता है कि उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। और अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं गढ़वाल मंडल को। और यार गढ़वाल मंडल में अगर आप लोग हो और आपने गढ़वाल के राजाओं के गढ़ को एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर तो यार ये तो बेमानी हो जाएगी। साथ में आपको बता दूँ यार जो श्रीनगर गढ़वाल जो है वो राजाओं की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वो भी आपको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करवा दूंगा क्योंकि यार हमें आज निकलना है टिहरी के लिए। कि यार आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ कि ये मेरी ना स्कूल टाइम की कोई एक फोटो है, इसमें यार आप लोग जूम करके पॉज करके बताना मेरे को कि मैं कहाँ पर हूँ। और भाई साहब यार इस तरफ अपना जो पूरा सामान वान फैला पड़ा है और इस तरफ चल रही है जी मधमेश्वर का जो व्लॉग आने वाला है उसकी एडिटिंग बस फाइनल स्टेज पे ही है। तो जब तक यार ये वीडियो आएगा उससे पहले ही आपको मधमेश्वर के जो भी व्लॉग्स वगैरह है ना वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसने अभी तक वो नहीं देखा होगा ना, अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक आप लोगों ने अगर मधमेश्वर वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ यार जाके आप लोग वो व्लॉग्स भी जरूर देखना जी। चलो जी यार हो गया अपना स्नान वगैरह काफ़ी बढ़िया से। और यार मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ इस लोकेशन पे अभी ये शूट करने के लिए उसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि यार पीछे आप देख सकते हो यार, तो आपको सबसे पहले बताता हूँ जो मेरा गांव है मेरे गांव का नाम है खोला। और अगर आप लोग आते हो श्रीनगर की तरफ तो श्रीनगर से भुगानी वाली रोड पर आपको 8 किलोमीटर आओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा जी अपना गाँव, सबसे पहला गाँव हमारा ही पड़ता है जी। तो आप देख सकते हो यार जो ये वाली रोड है ये आ जाएगी आपके श्रीनगर से और ये जा रही है जी सीधा आपका भुगानी होते हुए सीधा पौड़ी भी जाती है ये लोग खिरसू होते हुए। तो यार आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग आते हो इस जगह पे तो अपने गांव में तो हम लोग घूम ही सकते हैं। उसके अलावा यार यहाँ पर एक हिल स्टेशन पड़ता है खिरसू जो कि आपको मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोग आते हो यार तो आपको इसी रास्ते से आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ यार कि इस रोड को भुगानी रोड क्यों कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है यार कि आपको पता ही होगा कि हमारे गढ़वाल से ना एक बहुत बड़े नेता रहे हैं जो कि थे हेमवती नंदन बहोगणा। तो यार उनका जो गाँव है ना वो भी इसी रोड पर पड़ता है जी, आगे यहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर आगे पड़ता है। आपको बता दूँ यार इसी रोड पर ना आगे आपको एक गाँव मिल जाएगा सुमारी गांव। अब आपको बता दूं यार कि सुमारी गांव क्यों फेमस है, तो चलो वो भी आपको बताता हूं जी। गाइस आपको बता देता हूं यार कि जो ब्रजिंदर काला जो कि बॉलीवुड एक्टर है उनका जो गांव है ना वो पड़ता है जी सुमारी। अभी उनके आपने रिसेंटली इंटरव्यू में भी सुना होगा इस बात को, तो आप लोग यार गूगल सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि ब्रजिंदर काला कौन है। और अब आई एम श्योर कि यार जितने भी आप में से लोग हैं ना सब ने उनको यार बॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत अच्छे से देखा होगा, लेकिन क्या होता है कि उनका नाम बहुत कम लोगों को मालूम है, बाय फेस आप लोग जानते होंगे। तो चलो यार यहाँ से मैं आपको अपने गांव की जो है स्टार्टिंग दिखाने वाला हूँ कैसी कैसी चीज़ें रहने वाली है। और साथ में यार अभी जो आज का दिन है ना कल हमारे गाँव में निकली है कलश यात्रा, क्योंकि यार हमारे गाँव में जो है भागवत कथा चल रही है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे गाँव का पंचायती प्रज्ञान बोलते हैं उसको, पंचायती भवन जो होता है तो वहाँ पर हो रही है, तो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यार कुछ फुटेज दिखाऊंगा गाँव की कैसी कैसी गलियाँ हैं कैसी कैसी चीज़ें हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा अष्टावक्र महादेव के लिए। तो चलो जी यार गाइस अब यहाँ से जो है ना उसको कह सकते हैं कि जो सामने घर है ये मेरे यार चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे अक्षय गिल्डियाल, तो उनका घर है, हम लोगों ने बहुत क्रिकेट खेली है। तो यहाँ से हो जाती है यार अपने गांव की स्टार्टिंग। और इस तरफ खड़ी है अपनी गाड़ी, गंदी हो गई बट चलो कोई बात नहीं यार अभी आते हुए धो भी लेंगे।
और एक चीज़ और बता देता हूँ यार कि बचपन में हम जो क्रिकेट खेला करते थे ना भाई साहब, आप यकीन मानो आप भी तो ना ये पूरी यहाँ पे झारजन कार्ड से होगी, लेकिन उस टाइम पे वो सामने का जो आप देख रहे हो कि एक भवन सा बनाया हुआ है, तो वो धर्मशाला उस टाइम पे थी नहीं, और हम लोग ना पूरा इस वाली जगह पे क्रिकेट खेलते थे जो कि काफ़ी मज़ा आता था यार। और उस टाइम पे ना यहाँ पे एक आम का पेड़ हुआ करता था जो कि अभी है नहीं, और वहाँ नीचे नीचे वाला जो खेत है वहाँ तक हम लोगों ने फील्डिंग करी हुई यार बहुत तगड़े से। यहाँ पे यार ये भी है, एक दादी हुआ करती थी, खैर अभी तो दादी की डेथ हो गई, अभी दादी है नहीं, लेकिन यार बचपन में ना हम लोग प्रसाद खाने के लिए आते थे उनसे, दादी वो जो छोटी छोटी गोली वोली से नहीं होती वाइट वाइट सी, वो हम लोग खेलने के बाद डेली जाके दादी के पास जाते थे और उनसे हम लोग लेते थे यार वो प्रसाद खाने को, तो काफ़ी बढ़िया रहता था भाई साहब। हेलो जी भैया, तो ये हमारा जो गाँव का ना मुख्य गेट, इसको कह सकते हो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है गाँव का, वो कुछ रहने वाला है इस तरफ से ही। और यार चलो घंटी बजाओ चलते हैं। और ऊपर जो आप ये देख रहे हो ना, ये अभी इसीलिए लगी हुई है क्योंकि मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि गाँव में चल रही है भागवत कथा, तो वहाँ पर भी जाएंगे। इस टाइप से है जी गलियाँ। महादेव, तो यार ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो एक तेल की बोतल दिया बत्ती और धूप वगैरह ले ली है मैंने, और निकल गए हम लोग यार श्री अष्टावक्र महादेव के लिए, कुछ इस टाइप की। यार ये बचपन में ना बहुत खेले हमने इन सारी जगहों पे, काफ़ी यार अच्छा लग रहा है अभी कि बहुत टाइम बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अभी आप ना सीधा सामने आ गया है जी अपना श्री भैरवनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर कि अभी पूरा सजा के रखा है बहुत बढ़िया से, वो भी दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यार हमारे गांव में अभी चल रहा है भागवत का कार्य, और ये जो है ना ये है पंचायती भवन हमारे गांव का, लेकिन अभी यार पूरी तरीके से आप देख सकते हो कितने अच्छे से और कितने बढ़िया से सजाया हुआ है, तो थोड़ा सा यार मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। इस तरफ से जो है ना भैरवनाथ जी का मंदिर है, वो आपको मैं अभी जब हम अष्टावक्र महादेव से आ जाएंगे उसके बाद दिखाऊंगा जी। और ये सामने है हमारे श्री भागवत पुराण कथा जो चल रहा है, आप देख सकते हो जी भाई साहब इस तरीके का हो सकता है, यहाँ पे सारे पंडित लोग जितने भी हमारे सबके सब बैठे हुए हैं। तो यार इस तरीके से सामने जो है अभी चल रहा है कार्य, और ये देख सकते हो यार आप गाँव के जो खंडर है ना, पुराने मकान जो बने होते थे यार कोई रहता नहीं इन पे, तो टूट चुके हैं, बट चलो कोई बात नहीं यार अब क्या कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो यार इस टाइप से बन रहा है जी पूरा, यार देखो जी इस टाइप की गलियाँ हैं, एक ये इधर भी जाता है रास्ता। तो यार ये जब हम लोग आ जाएंगे ना अभी मंदिर से, उसके बाद आपको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग निकले यार मंदिर के, तो पहले मंदिर की तरफ जाएंगे। और आप ये पीछे जो मकान देख रहे हो ना भाई साहब, तो ये भी दादी लगती है हमारी, उनका मकान है। और आपको बता दूं यार कि जब हम लोग छोटे छोटे थे यार, जब मैं आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहूँगा, उस टाइम पर ना हमारे गाँव में एक मूवी की शूटिंग हुई थी नंदू के राजा करके, उसका कुछ नाम था, तो यार उस टाइम पर ना ये वाला मकान में बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई थी, तो यार यूट्यूब वगैरह में शायद अवेलेबल होगी, अगर मेरे को लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वो भी जाके आप जरूर देखना। और उसमें आप मेरे को बताना यार कि पहले गांव बढ़िया था कि अभी गांव बढ़िया है। चलो जी चल रहे हैं हम लोग सीधा अष्टावक्र महादेव के लिए, ये रास्ता है जी भाई साहब। साहब आपको एक चीज दिखाऊं इंटरेस्टिंग वाली, ये आप जो देख रहे हो ना सामने यार, आपने देखा होगा कि तो पुराने पुराने गांव है, तो इसको कहते हैं यार हमारे यहाँ पे नौ कहते हैं, नौ पंधार भी कहते हैं इसको, जहाँ पे यार पानी आता है छोटे का। अभी तो यार गर्मियों का टाइम है, अभी तो सूख गया, उस पर बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन इसमें पानी आता था एक टाइम पे यार। और आपको एक चीज़ खास बात और बताऊंगा मैं अभी वीडियो में आगे यार, कि एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है हमारे गाँव में, नंदा पाती का त्यौहार मनाया जाता है हमारे गाँव में, और यार सही बता रहा हूँ इस बार जब भी वो होगा ना, जब भी नेक्स्ट होएगा, तो मैं वो आपको जरूर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो जी आ जाओ। तो गाइज यार पीछे आप जो जगह देख रहे हो उसको कहते हैं मैला भगवान, और क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यार बचपन से बहुत ज़्यादा जुड़ी इस जगह से, क्योंकि यार ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये मतलब मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है, मेरे दादाजी वगैरह की प्रॉपर्टी है। और मेरे दादाजी यार जब रिटायरमेंट के बाद आए थे ना यहाँ पे गांव में, तो यार वो मोस्टली टाइम जो यहाँ पे स्पेंड किया करते थे। तो पीछे ना एक आम का पेड़ है जिसके आम हम अभी तक खाते हैं, तो मेरे दादाजी ने वो लगाया था, तो यार दादाजी तो नहीं रहे लेकिन उनका लगाया हुआ जो आम का पेड़ है वो अभी तक है। तो यार इसलिए मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि आप लोग ना कम से कम यार अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 1000 पेड़ तो ज़रूर लगाएं, और मैं भी कोशिश करूँगा कि यार मैं भी ना अपने आने वाले टाइम पे, या जब भी हम लोग कहीं जाएंगे हमें कुछ अगर ऐसा दिखाई दे तो हम ना कुछ वृक्ष जरूर लगाएं। तो गाइज यार अगर आप लोग भी हमें सपोर्ट करोगे, सपोर्ट करने के लिए आपको करना है कैसे भी हमारे चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोज़ को पूरा देखना है, और इंस्टाग्राम देसी डॉलर व्लॉग्स को यार फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई साहब। और मैं अभी आपको मैला भगवान का एक छोटा सा टूर दूंगा, पहले हम लोग जिस के लिए निकले हैं अष्टावक्र महादेव के लिए, पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद नीचे आधा टाइम आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो जी भाई साहब ये है कुछ रास्ता, वैसे तो रास्ता जो है ना पक्का है, लेकिन अभी इसमें यार जितने भी आसपास के ये पत्ते वत्ते आ गए वो गिर गए हैं जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे बढ़िया से महादेव का नाम लेते हुए। तो आप लोग भी यार कमेंट में लिख दो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
अरे देखो जी, ये भी आपको ना तीन आम के पेड़ दिखाई देंगे। तो यार हमारे गांव में जो है ना, आपको आम के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और इस जगह पे आपको देखो बेंचेस भी मिल जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि यार थोड़ी चढ़ाई सी है चढ़ने को, बट इतनी कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। बाकी यार थोड़ा सा रुक के चलते हम भी, आराम आराम चलिए, टाइम की कोई हमें जल्दबाजी है नहीं। और आपको बता दूँ यार, हमारे साथ में जुड़े आज हमारे गाँव के मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर अनुज गिल्डियाल। हरे हरे महादेव। तो भाई साहब आप लोग, तो गाइज ये देखो आप लोग यार, खेत जो पूरे खलियान है ना, पूरे खंडर पड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है यार कि ये पहले से ही ऐसे थे। तो गाइज ऐसा नहीं है यार कि पहले से ही ये खंडर थे, खलियान ऐसे ही थे। पहले यार यहाँ पर खेती होती थी, बहुत सारी दालें हुआ करती थी, जो कि पहाड़ी दालें होती है, जैसे गैत की दाल होती थी, काली दाल होती थी, उड़द की दाल होती थी, मसूर की दाल होती थी, काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी यार हमारे यहाँ पे भी। लेकिन अभी यार 8-10 सालों में ना गाँव से पलायन कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि यार आपको पता ही है बेरोजगारी जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है। इस टॉपिक में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि यार मैं खुद यहाँ पे नहीं रहता हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बात करूँगा भी नहीं, और मेरा करना बनता भी नहीं है। चलेंगे जी आगे। तो गाइस यार वो बिल्कुल सामने की तरफ है ना पौड़ी पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। लेकिन यार अभी क्या है ना कि वहाँ पर पूरी धुंध लग रही हुई है, इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है यार। जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं घर पे था, कि यार गढ़वाल के जो राजा हुआ करते थे उनकी राजधानी जो थी श्रीनगर थी, और जब ब्रिटिश शासन आया तो उसके बाद 1839 यानी 1839 में जो राजधानी है उसको श्रीनगर से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने पौड़ी गढ़वाल में शिफ्ट कर दिया था। तो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं श्री अष्टावक्र महादेव के मंदिर में। तो चलो यार चलते अंदर, और आपको फिर बताता हूँ इस मंदिर से जुड़ी हुई इतिहास और इस मंदिर के बारे में जानकारी। चलो आ जाओ जी। चलो यार गाइज हो चुकी है बाबा जी के दर्शन, कर लिए बाबा जी की पूजा, और अब हमारे साथ है अनुज गिल्डियाल जी, और अनुज गिल्डियाल जी हमको बताने वाले हैं इस जगह से जुड़ी हुई जो इतिहास है, कैसे यार इस जगह का नाम अष्टवक्र महादेव पड़ा, और क्यों यार यहाँ पर पूजा जाता है अष्टवक्र महादेव को, क्या क्या चीज़ें रहने वाली, वो सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं अनुज गिल्डियाल। ओम श्री अष्टवक्राय नमो नमः, हर हर महादेव। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस जगह का नाम अष्टावक्र महादेव क्यों पड़ा। अष्टावक्र एक मुनि थे, एक ऋषि थे, अपने माँ के गर्भ में थे, तो उनके पिता जब उनको, उनकी माता को कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो उन्होंने गर्भ अवस्था से अष्टावक्र मुनि ने अपने पिता को उन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए उनकी 8 गलतियां पकड़ दी थी, तो इस बात से उनके पिता बहुत क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने उनको यह कहा था कि जब तुम पैदा होगे तुम 8 जगहों से तुम क्या होंगे, वक्र मतलब विकलांग पैदा होंगे। तो जब वो पैदा हुए थे तो 8 जगहों से वो विकलांग पैदा हुए थे, जिनके कारण मतलब उनके शरीर में 8 बांग थे, तो तब से उनका नाम पड़ा अष्टावक्र पड़ गया, क्योंकि वो 8 जगहों से उनके शरीर में तरह तरह की विकृतियाँ थी, तो तभी से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। तो एक बार क्या होता है कि राजा जनक की सभा में अष्टावक्र के जो पिता थे उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई थी, और उनके पिता शास्त्रार्थ की चुनौती में हार गए थे। तो उसके बाद अष्टावक्र ने को जब यह पता चला, तो उसका वह एक प्रकार से बदला लेने के लिए राजा जनक की सभा में गए, और वहाँ पे लोग उनको देख के हंसे कि यह एक विकलांग आदमी जो है यहाँ पे शास्त्रार्थ की चुनौती देने के लिए यहाँ पे पहुँचा, जिसको कुछ ज्ञान नहीं मतलब कुछ ज्ञान नहीं है शायद। पर अष्टावक्र ने अपने पिता का शास्त्रार्थ का बदला वहाँ पर लिया। जब उन्होंने शास्त्रार्थ में उनको जनक के सभा में जो भी ऋषि थे उनको पराजित करा, उसके बाद वो अपने अंतिम काल में इधर केदारखंड में भगवान शिव की तपस्या करने के लिए इसी क्षेत्र में आए थे। उन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या करी, और यह कहा जाता है कि उनके शरीर में पूरा दीमक लग चुका था उस समय। तो भगवान शिव ने उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देखते हुए, उस तपस्या को देखते हुए यहाँ पर प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था कि तुम आने वाले समय में मेरे नाम से तुम यहाँ पर पूजे जाओगे। तो तब से इस जगह का नाम अष्टावक्र महादेव
पड़ गया। इसको काफ़ी लोग एराशुगढ़ महादेव के नाम से भी जानते हैं। और भगवान शिव ने उन्हें यह भी कहा था कि जो भी लोग आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। जी हाँ गाइस, मैं आपको ना इस शिवलिंग से जुड़ी हुई एक खास बात बताने वाला हूँ कि ये शिवलिंग जो है ना, इसको यहाँ पे किसी के भी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये स्वयं भू के गर्भ से निकला हुआ है शिवलिंग है, इसलिए इसको यार स्वयं भू शिवलिंग भी कहते हैं। और इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है वो आपको बता देता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे आया। तो यार हमारे गाँव, जो कि मेरा गाँव है खुला, मैंने आपको बता देता हूँ, हमारे एक पूर्वज दादाजी हुआ करते थे। तो यार वो एक बार यहाँ पे जब खेती करते के टाइम उनके हल के नीचे का जो भाग होता है छोटा सा, आपने देखा होगा कि लोहे का सा बना होता है, तो वो इससे टकराता है। और उसके बाद उसी रात को उनके सपने में भगवान शंकर स्वयं आते हैं और उनको कहते हैं यार कि आप लोग वहां पर जो है खेती बाड़ी नहीं करोगे। और उसके बाद जब नेक्स्ट दिन यहां पे वो आते हैं और वो उस जगह की हल्की सी खुदाई या मतलब छानबीन करते हैं, तो उनको यहां पे ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ दिखाई दिया पड़ता है। उस टाइम पे शिवलिंग बहुत छोटा अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है तो शिवलिंग जो है धरती से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पर आता जा रहा है। और आपको एक चीज दिखा देता हूं कि यार इस शिवलिंग पे जो वो उस टाइम पे निशान लगा था ना लोहे का, जो मैंने बताया था हल्के नीचे जो होता है, तो वो आज भी मौजूद है। तो इसी वजह से यार जो शिवलिंग है वो हल्का सा टेढ़ा भी हुआ पड़ा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो यार जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा तिरछा है, और आप ये देख सकते हो भाई साहब इसमें ना जो कि वो उस पर निशान पड़े थे जो हल्का लगा था, उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी दरार भी आ गई थी। और तो यार आप लोग भी कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। आपको यार एक चीज और बताने वाला हूँ कि जो गढ़वाल क्षेत्र है ये पूरे 52 गढ़ों से मिलकर बना हुआ है। और जैसा कि हमारे अनुज गिल्डियाल जी ने आपको बताया था कि यहाँ पे ना इसको एरासुगढ़ महादेव भी कहा जाता है। तो इस तरफ की जो जगह है ना पीछे की तरफ, ये ही है एरासुगढ़। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि क्यों वहां पर यार वो अपना महल नहीं बना पाए, उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी आपको अनुज गिल्डियाल जी बताएंगे। अभी पहले हम चलते हैं उस जगह पे, बिल्कुल पास में है, कुछ 100 से 200 मीटर के आसपास है। चलो जी। तो दोस्तों हम अभी जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ एरासुगढ़ इस जगह का नाम है। इस जगह का यहाँ पे संबंध है सीधा राजा अजयपाल से। राजा अजयपाल यहाँ पे अपना जब उन्होंने 52 गढ़ जीता था तो यहाँ पे एरासुगढ़ में भी एक अपना किला बनाना चाहते थे, ताकि वो यहाँ पे से जो दिख रहा है कीर्तिनगर आपको यहाँ पे सामने वहाँ पे अपने उधर नज़र रख सके आसानी से। ये बिल्कुल एक शानदार जगह थी यहाँ पे। पर होता क्या है, यहाँ पे जब राजा महल बनाने लग जाता है तो उस समय भगवान शिव उसके सपने में खुद आके, अजयपाल के सपने में आके उसको यहाँ पे महल बनाने से मना करते हैं, पर राजा नहीं मानता है। तो उस कारण क्या होता है, जो इस क्षेत्र में जितने भी स्रोत थे पानी के स्रोत थे, वो पानी के स्रोत सारे सूख जाते हैं, जिस कारण राजा यहाँ पे पूरा महल नहीं बना पाता है। और आप देख सकोगे कि ये खाली इतने ही बिम तक का कार्य, बस नीचे बिम तक का कार्य यहाँ पे होता है, और उसके बाद राजा अपना महल नहीं बना पाता। तो यार गाइस अभी जैसा कि अपने अनुज गिल्डियाल जो भाई, उन्होंने बताया आपको यार कि कैसे यहाँ पे राजा को जो महल बनाना चाहता था लेकिन वो नहीं बना पाया। लेकिन आपको बता दूँ ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना भाई साहब, ये देखो ये पूरी बाउंड्री नीचे से लेके काफ़ी सारी जगह पत्थर की, तो ये राजा के ज़माने से है। और जिस महल की वो बात कर रहे थे ना कि जो किला वो स्थापित करना चाहते थे यहाँ पे, तो ये उसके अवशेष हैं। ये देखो जी, उसको आधा ही बना पाए थे ये लोग। और इस तरफ से आप देख सकते हो कि उस तरफ भी आप देखोगे तो ये आधा ही बना, ये पूरा नहीं बना पाए थे भाई साहब। और ये दीवार जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये बाउंड्री होती थी उस टाइम पे कि कहाँ से किसका राज्य कहाँ तक का है। और यार ये सामने आप जो देख रहे हो कीर्तिनगर है जी, जिसकी अभी अनुज भाई ने बात करी थी। इस तरफ से कीर्तिनगर दिखाई देता था, इस तरफ से आपको श्रीनगर दिखाई देगा जी। ये भाई साहब आप देखो जी, ये पूरा का पूरा एरिया जो है श्रीनगर का है। और वो जो पुल है ना, ये अभी जो रेलवे का जो कार्य चल रहा है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे योजना, वो उसके तहत अभी वो पुल भी बना है। और जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था यार कि सामने की तरफ, क्योंकि यार विजिबिलिटी एकदम डाउन है, बिल्कुल जीरो था, सामने यार पौड़ी भी दिखाई देता था। तो यार इसीलिए राजा अजयपाल जो था ना इस जगह पे किला बनाना चाहते थे, ताकि वो एक ही जगह से 3 से 4 जगहों पर निगरानी कर सके। तो चलो यार अभी चलते हैं यहाँ से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा गाइस। चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करते रहो। और इसके बाद हम जाने वाले हैं वापस से नीचे खोला, और उससे पहले आपको मैं दिखाने वाला हूँ यार अपना मैल्या भगवान का, जो एक छोटा सा वॉक अराउंड आपको दे दूंगा। आगे हम लोग अपने मैल्या भगवान, ऐसा कुछ खास तो है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए, बट यार जस्ट बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हैं। और तो दादाजी पर ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ऐसा ही कुछ है यार खेत टाइप से बने हुए हैं। देखो जी पहले तो यार पूरा ना हरा भरा होता है जब तक हम लोग थे यहाँ पे, अब तो जब हम ही चले गए थे इसकी देख रेख करेगा ही कौन। पर चलो फिर भी ठीक है यार, कोई नहीं, एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ बस यार। ये देखो जी, जो अभी मैं आपको आम का पेड़ बता रहा था ना, तो वो ये है भाई साहब, आम लगे हुए हैं इस पर, लेकिन अभी तो कच्चे हैं, जब पकेंगे भाई साहब बहुत टेस्टी आम होता है इस पर। इस तरफ ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रही है प्लम का पेड़ है, नीचे की तरफ जो है एक नींबू का पेड़ है, अभी तो लगे नहीं है वैसे। और सामने की तरफ यार अपना एक पेड़ और था जो कि अपना नाशपति का पेड़ था, उसमें भी यार अभी वहाँ तक जाने का रास्ता तो है नहीं। तरफ यार आपको ये आंवले का पेड़ भी दिख जाएगा, और ये बगल में अमरूद का भी पेड़ है।
तो यार काफी सारे पेड़ थे यहाँ पे यार, फल वाले जो पेड़ थे काफी सारे थे। आ गए हम लोग ऊपर से दर्शन करके, अभी चलते हैं सीधा श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं। और उसके बाद यार जैसे कि आपको मैंने बताया था ऊपर जाते हुए कि इस तरफ वाली जो जगह है वो भी आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, तो पहले चलते हैं जी अपना मस्त करके बाबा जी के दर्शन करते हैं श्री भैरवनाथ जी के, थोड़ा सी यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम इस तरफ से। गाइस यार आपको बता दूं, जो श्री भैरवनाथ जी हैं ये हमारे गांव के जो क्षेत्रपाल होते हैं यानी कि रक्षा करने वाले देवता होते हैं वो भी हैं। तो यार आप भी कमेंट में लिख देना जय श्री भैरवनाथ जी। यार अभी बात करूं कि यार कितने लोग रहते हैं गांव में, तो कुछ यार 40-50 मकान है। शहरों के आसपास जो गांव होते हैं यार वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पहाड़ों के गांव जो होते हैं ना यहां पर 40-50 लोग या 60 लोग के मकान होते हैं, इतने लोग रहते हैं। तो अपना गाँव जो है, हमारे गाँव में भी यार कुछ 40-50 के आसपास घर होंगे, लेकिन रहते लोग कम है यहां पर। अभी तो जैसे थोड़ा भागवत भी चल रही है तो इसलिए भी आए हैं। बाकी यार आपको वीडियो में आके बताता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तरफ जो दादी रहती है एक गाँव की, तो बचपन में यार हमने जैसे आपको बताया यार कि बहुत सारा लोगों के साथ में हम लोग रहते थे, घूमते थे गाँव में यार बच्चे जब थे, तो दादी के साथ बैठा हूँ यार कुछ अभी आधा पौना घंटा। ये सामने भी एक घर है, ये भी दादाजी है, अपने दादाजी लगते हैं रिश्ते नाते में, तो ये उनका घर है। दादाजी से भी और दादाजी से भी ना काफ़ी बातचीत वगैरह होती है, अभी तो है नहीं घर पे वरना मैं ज़्यादा पक्का। चलो जी, अरे देखो जी भाई साहब, ये देखो ये भी एक आम का पेड़ है। जैसे कि आपको मैंने बताया था यार कि हमारे गांव में ना आम बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ आम के पेड़ ये भी लगे हुए हैं। और अभी यार तोड़ूंगा इसमें से कुछ कच्चे आम और उसकी बनाएंगे फिर अपनी मस्त आम की चटनी बढ़िया वाली। जो है ना ये अभी नया नया बना हुआ है, और ये मेरा जो दोस्त है अनुराग गिल्डियाल, प्रशांत बोलता हूँ उसको मैं, तो प्रशांत का घर है अभी नया बना हुआ है। प्रशांत यार वो रहता है देहरादून में, तो अभी जब मैं देहरादून जाऊँगा तो मिलूँगा उससे भी यार, क्योंकि यार हम लोग ना क्लासमेट ही थे बचपन से, साथ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया था यार। तो भाई देहरादून में रहता है, तो अभी जाऊँगा देहरादून फिर उसको भी मिलूँगा और आपको भी मिलवाऊँगा यार उसको। चलो जी अभी चलते हैं आगे। और अभी यार आपको ना मैं एक जो घर अभी मैंने दिखाया था आपको पहले कि जो इसरो में साइंटिस्ट है, अभी मैं उनके घर पे भी आपको ले जाने वाला हूँ जी। चलो चलो जी भैया यार अभी काफ़ी सारी जगह ओके आ गए हम लोग, और कुछ कुछ ऐसी जगह है जो छूट भी गई है, लाइक एकदम प्रॉपर नहीं हो पाया। ये आपको बता दूँ यार जो घर है जो ये जो हमारे कुल पुरोहित है उनका घर है, देखो जी भाई साहब। और अभी हम जाने वाले हैं उस वाले मकान पर जो कि यार इसरो के साइंटिस्ट हैं उनका मकान है। चलते हैं यार अब। चलो जी गाइस यार मैं पहुंच चुका हूँ यार, जो कि आपको मैंने बताया था कि हमारे दादाजी हैं और हम सब लोगों का प्राइड भी है जो इसरो में साइंटिस्ट थे, और अभी दादाजी जो है रिटायरमेंट के बाद वापस से गांव आ चुके हैं। तो दादाजी के यार अभी सामने ना कुछ वो लगी हुई है, दादाजी तो है नहीं घर पे अभी, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाता यार। बाकी यार दादाजी हैं वो अभी काम कर रही हैं, और कुछ ना वो सामने कुछ लगा हुआ था वो आपको दिखा देता हूँ। उसमें ही ना लिखा हुआ भी है कि जो 50 ईयर्स जो दादाजी ने काम किया है इसरो के साथ में, तो उसके लिए एक वो भी चीज़ लगी हुई है, वो भी दिखाते हैं जी आपको। चलो जी भैया यार काफ़ी मज़ा आया यार, दादाजी तो थे नहीं, दादाजी नहीं, मुझे अभी पता चला यार कि मुझे उनको ना चाचा जी बोलना है, और जो दादाजी जी उनको मैं बोल रहा था वो चाची जी हुई एक्चुअली। तो यार बता देता हूँ कि जो उनका नाम है श्री केशव देव घिल्डियाल जी, जो कि यार इसरो में साइंटिस्ट रहे हैं। आपको मैंने बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार जितनी बार ही बताता हूँ उतनी बार कम पड़ता है, क्योंकि यार बात ही ऐसी है कि हमारे बीच में से निकल के यार इतनी बड़ी पोजीशन पर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब। कुछ इस टाइप से है यार और गली, ये आप देख सकते हो इधर है यार वर्णेश गिल्डियाल, वो भी बचपन का दोस्ती है, दोस्त के मेरे गांव में सारे यार दोस्ती होते हैं, तो उनका घर है ये। इस तरफ से चलते हैं जी, और इस तरफ से एक साल है यार, साल आपको मैंने पहले बताया भी था जहाँ पर हम लोग गाय वगैरह रखते हैं, तो वो जगह है जी। ये जो घर है ना,
तो आपको बता दूं यार कि मैं कुछ टाइम ना यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने भी आता था, जब आई थिंक मैं 11th या 12th में था। तो यार दीपाली दीदी होती थी, वो हमें पढ़ाती थी भाई साहब। वैसे तो बुआ लगती है मेरी, रिश्ते नाते हैं, लेकिन यार वो खुद ही कहती थी दीदी बोला कर, तो यार उनका घर है अभी, वो भी देहरादून में ही रहती हैं। चलो जी, और ये जी यहाँ से आ गई है रोड। तो जैसे कि आपको बताइए यार कि अपना जो गांव है ना बिल्कुल रोड के पास में ही है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। देखो जी भाई साहब, वो सामने जो है ना लीची का पेड़ है और लीची लगी हुई है उसमें, पर अभी कच्ची है यार, पकी होती तो मैं जाके ले भी आता दादी से मांग के। ये देखो जी यार, इस तरफ है, इसमें बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है, और ये है प्रदीप दादाजी हुए उनका घर है ये। इस तरफ है जी अपना हैंडपम्प बढ़िया वाला। चलो जी, चलो जी गाइस, यार यहीं से शुरू किया था हमने, ये देख सकते हो पीछे, जब सुबह हमने यहाँ से शुरू किया था और वापस से हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल इसी जगह पे। तो यार पीछे से ऐसे आते हुए हम लोग इस तरफ से गए थे, और फिर पूरा गांव ऊपर से घूम के फिर हम लोग अभी आए इस तरफ से, कुछ इस तरीके से तैयार अपना गाँव। तो आई होप यार कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और इसमें आई नो कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिस भी हो चुकी होगी। तो जो भी मेरे गाँव वाले देख रहे हैं ना, प्लीज़ वो कमेंट करके मैं ज़रूर बता देना, ताकि फिर कभी अगर मैं आता हूँ गाँव में तो उस टाइम पर वीडियो बना के उसको भी मैं डाल दूंगा। तो चलो गाइज़ यार, आज के ब्लॉग के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।